नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कोरोना का जो वायरस है, ये इतना स्मार्ट है, इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी जाना समझा और आज जो वर्चुअल मीटिंग की है प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के लगभग 54 कलेक्टरों के साथ, उन्होंने जो वर्चुअल बैठक की है उसमें उन्होंने कहा है कि पिछली महामारी हो या ये वाली महामारी, हर महामारी हमें एक नया सबक दे रही है। इसे डील करने के हमारे तौर तरीकों में बदलाव होना जरूरी है, इनोवेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये जो वायरस है ये म्यूटेट होने में, अपना रूप बदलने में बेहद माहिर है। इस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी स्मार्ट होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए। और दूसरी लहर के बीच वायरस म्यूटेंट होने की वजह से यूथ और बच्चों के लिए काफ़ी चिंता हो गई है। जिस तरीके से कलेक्टरों ने अपने अपने इलाकों में काम किया है उसकी सराहना प्रधानमंत्री ने की, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे भी वो उतनी ही ईमानदारी से काम करते रहें। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि एक विषय वैक्सीन वेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सीन वेस्ट होने का मतलब है कि किसी एक जीवन को सुरक्षा कवच नहीं मिल सका, इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि फील्ड में किए गए उनके कार्यों, अनुभवों और फीडबैक से ही प्रैक्टिकल और असरदार योजनाएं बनाने में आगे भविष्य में मदद मिलेगी। टीकाकरण की नई रणनीति हर तरह से राज्यों और स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को आसान बनाए रखने की भी एक योजना है। गरीब के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, दूसरी आवश्यक सप्लाई हो या कालाबाजारी पर रोक हो, ये सब लड़ाई जीतने के लिए आगे बढ़ने और आगे आने की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी के कई जिलों के कलेक्टरों से चर्चा की। इसमें पीएमओ की तरफ से मीटिंग को लेकर के राज्यों के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख करके जानकारी पहले से ही दे दी गई थी। और पीएम की बैठक में पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मामले में राज्यों से प्रेजेंटेशन मांगा था। और इससे पहले 18 मई को 9 राज्यों के 46 जिलों के कलेक्टरों के साथ भी पीएम ने एक वर्चुअल मीटिंग की है। इस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जब एक जिला जीतता है तभी एक देश जीतता है। अपने देश में जीतने वाले जिले हैं, बहुत संख्या है उनकी, उतनी ही अलग अलग उनकी चुनौतियां भी हैं। इस दौरान उन्होंने जिले में लोकल कंटेनमेंट जोन, अग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि जिले के हॉस्पिटल्स में कितने बेड उपलब्ध हैं, कहाँ उपलब्ध हैं, इस तरह की सारी जानकारी लोगों को देने से उनकी सहूलियत बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी पे लगाम लगाने के लिए भी काफ़ी सख्त निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल मीटिंग की है बहुत सारे जिलों के कलेक्टर से, जिलाधिकारियों से। मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी, आपको और अपडेट देती रहूंगी। आपको ये कंटेंट अगर पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।